हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिएक्शन रिव्यू में बात करते हैं दी नॉर्थमैन फिल्म के बारे में, जिसकी कहानी लिखने और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी लाइट हाउस और दी विच जैसी काफी शानदार फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर रॉबर्ट एडगर्स की है, जिनकी इस तीसरी फिल्म को लेकर मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसके ट्रेलर में वो बात है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिस यही करती है कि ये फिल्म लाजवाब होने वाली है। और अब उसका जवाब इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू से निकल कर आ गया है, जिसमें किसी भी क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को बेकार तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। यहां तक कि फिल्म के नेगेटिव पॉइंट तक को यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, जो कि सभी के सभी क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। इट मींस कि ये फिल्म क्रिटिक्स की नजरों में बहुत ही ज्यादा ब्लडी और फिल्म के लीड अलेक्जेंडर स्कारगिस की बीस जैसी परफॉर्मेंस रिलेटेड है, जिसमें कोई भी बड़े बड़े एक्टर्स बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते, क्योंकि उन सभी के रोल से लेकर इस पूरे के पूरे वाइकिंग्स के यूनिवर्स को बनाने में जितनी मेहनत लगी है वो स्क्रीन के एक एक फ्रेम में क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग नजर आती है। और जितनी खूबसूरती से ये फिल्म अपनी कहानी 2 घंटे से भी ज्यादा के समय में बताती है, वो ऑडियंस को पूरी तरीके से चौंकाने वाली है। यानी कि 2023 के ऑस्कर की लिस्ट में ये फिल्म डेफिनेटली शामिल होगी, और सरप्राइज भी होना नहीं चाहिए अगेन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग कि ये उस एकेडमी अवार्ड में कितने अवार्ड जीतती है। तो बट अनफॉर्चुनेट, जितनी हाइप इस फिल्म की बाहर की दूसरी कंट्री में है, वैसी हाइप तो हमारे इंडिया में इस फिल्म की है नहीं, और शायद उसी के कारण ये फिल्म इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट यानी कि 22 अप्रैल को फिलहाल तो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि उस दिन हमारे इंडिया में सोनिक द हेजहॉग फिल्म को जगह दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात भी साफ हो जाती है कि ये फिल्म अगर 22 अप्रैल को नहीं तो शायद से उसके अगले वीक रिलीज हो, जिसमें हिंदी में रिलीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि फिल्म को स्क्रीन भी बहुत ही लिमिटेड मिलेगी। बट जो भी हो, क्रिटिक्स के इतने कमाल रिएक्शन आने के बाद मैं क्या आप भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि फिल्म ही उतनी प्रॉमिसिंग है जितनी इसकी ट्रेलर से नजर आ रही थी। लेकिन अब क्रिटिक्स की ये मोहर इस फिल्म को कहीं ना कहीं मास्टरपीस की ही ओर ले जा रही है, जिसकी अब ज्यादा डिटेल के लिए तो हमें खुद ही फिल्म देखनी होगी, और उसके लिए लगेगा अच्छा खासा वेट, जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।